हुआ है इसमें नहीं आया अभी तक। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि भाई अपनी ये लेक्चर सीरीज चल रही है, हम इसमें 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका जो शुरुआती पोर्शन है बेसिक मैथमेटिक्स, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और ये लेक्चर कौन कौन ले सकता है, ये लेक्चर 10th पास जो बच्चा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th जिसने इस बार पढ़ ली उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक्स बहुत वीक रह जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th टारगेट, मतलब ये तो हर टाइप का जो बच्चा है उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये, आप इनको देखें। और आपका जो मैथ्स का बेसिक्स है, मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व की है मेरे टीचिंग करियर में कि बच्चों को ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो छोटी 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 समस्याएँ होती है, और उन छोटी छोटी समस्याओं के चक्कर में वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनको जैसे बायनोमियल थ्योरम टॉपिक पढ़ाया, वो बायनोमियल थ्योरम का फीलिंग समझ जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा उसमें आपको यदि बेसिक मैथ की कोई भी चीज़ यूज़ करनी होगी, नंबर्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में, तो वहाँ पर वो चक्कर खा जाएगा। और जब तक वो चीज़ें नहीं आएगी आप, तब तक उस सवाल का आप करेक्ट आंसर निकाल नहीं पाओगे, तो बात दिक्कत हो जाएगी। तो ये लेक्चर्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स के नाम से। आज का जो भाई अपना लेक्चर है वो है इनइक्वलिटीज़, है ना। इस बोर्ड को मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूँ जिससे कि स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो रहेगा इनइक्वलिटीज़ पे, इनइक्वलिटीज़, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ क्या होती है भाई? तो आपने 10th क्लास तक एक चीज पढ़ी है और उसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशंस, इसको मैं हिंदी वर्ड बोलूं तो इक्वेशन का हिंदी मतलब होता है समीकरण, ठीक है, इसका मतलब होता है समीकरण। आपने इक्वेशंस भी पढ़ी है और आपने आइडेंटिटीज भी पढ़ी है, आइडेंटिटीज बोली, इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं, ये भी आपने पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अपन बात यही कर लेते हैं भाई, आपका इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, क्या मतलब है इन दोनों का। तो देखो आपके सामने मैंने लिखा है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। एक मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बात समझ गए आप है इसको? अब कौन सी तो इक्वेशन है और कौन सी आइडेंटिटी है, दोनों में ही जो साइन है वो इक्वलिटी का साइन है भाई आपका। यहां पे भी इक्वलिटी का साइन है और यहां पे भी ये इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, मतलब ये दोनों चीज बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा तो यहां से सॉल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 13, आएगा कि नहीं आएगा? आप 5 को चले जाएंगे, माइनस 5 13, माइनस का 13, ओके। अब ये जो है ये तो है आपका इक्वेशन और ये आपका है भैया, ये आपका है आइडेंटिटी। क्यों? तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये फर्क होता है कि इक्वेशन जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई हो पाती है। जैसे यहां पर इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये इक्वेशन आपकी एक्स की माइनस 13 वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होंगी, मतलब ये एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और जो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये आपका क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये आपका ए और बी की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। आप इसमें ए और बी का कोई भी वैल्यू डाल दो, आप चाहो तो ए का वैल्यू 1 डालो, बी का वैल्यू 2 डाल दो, तब भी ये मामला वैलिड है।
ए का वैल्यू जीरो डाल दो, बी का वैल्यू आप रूट टू डाल दो, तब भी ये चीज वैलिड है। ए का वैल्यू आप माइनस वन डाल लो, बी का वैल्यू आप माइनस का पचास डाल दो, तब भी ये चीज वैलिड है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, इसमें यहां पर इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, ए और बी, ये ए और बी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, जबकि ये आपका जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रहेगा, और एक आइडेंटिटी वो होती है जिसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होती है। जैसे आपने पढ़ भी रखा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, आगे ना। जैसे आप पढ़ते हो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने ये भी पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, अरे हाँ कि ना। और ए माइनस बी का होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, है ना। और भी आप दो तीन और पढ़ते हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है मेरे भाई, आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल लूँ मैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपकी भैया क्या है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि आपका x और y का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही इसको सेटिस्फाई करेगा, x और y का हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको भैया इक्वेशन और आइडेंटिटी ये चीजें आप टेंथ क्लास तक पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। लेट मी टॉक टू यू पीपल। निगम कुमार सर साफ दिखाई नहीं देता। बेटा आपका जो रेजोल्यूशन है ना उसको 480 पे करो, अभी आपका जो YouTube है वो हाई लोड की वजह से 720 का तो नहीं दे रहा है, आप 480p पे करो, सब कुछ आपको दिखाई देगा। बाबू क्या बोला, हाई मुलाराम भाई दिस इज प्रेम प्रकाश मीणा IIT कानपुर योर बेसमेंट। अरे हेलो प्रेम, कैसे हो, थैंक्स फॉर कमिंग मैन, अच्छा लगा भाई। सो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो आपको इक्वेशन और आइडेंटिटीज के बारे में ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ रखा है। अब इक्वेशन के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। आप बोल रहे होंगे कि सर आपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इनइक्वालिटीज, बातें कर रहे हो आप इक्वेशन की, तो थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लेता हूँ आपके लिए कि अपन इक्वेशंस में क्या क्या करते थे, है ना, हमने क्या क्या किया था इक्वेशंस में। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया इनइक्वालिटीज। तो इक्वेशन में जैसे क्या होता है भाई, जैसे a बराबर b है, इफ a इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन या आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, आप इसमें कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इक्वेशन में कोई एक संख्या k है आपने जोड़ी या घटाई तब भी ये इसके बराबर ही होता है। आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया k1 bk1 सेम नंबर से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ओके। आपने किसी नंबर से सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, आगे ना, a अपॉन k2, बस शर्त यह है कि k2 आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब भी ये चीज बराबर, यदि a b के बराबर है तो ये बराबर है, और आप दोनों और स्क्वायर भी करते हो तब भी चीजें क्या होती है, बराबर होती है, अरे हाँ कि ना। इस तरह की चीजें अपन करते थे। या आपके सामने कोई दो इक्वेशन दिए गए, जैसे a बराबर b दिया हुआ है और c बराबर d दिया हुआ है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड को एक तरफ कर लिया, तब भी ये चीज सही थी। किसी को किसी में से घटा दो, जैसे a माइनस सी और इधर कर लो आप बी माइनस डी, ये भी सही है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ए सी बराबर बी डी, ये भी सही है। a अपॉन सी बराबर बी अपॉन डी है, ये भी सही है। बस बात ये है कि आपका जो c और d है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अरे हाँ कि ना। इक्वेशन में अपने इतनी सारी बातें टेंथ क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं। आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसके दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, आपको इक्वल क्वांटिटी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, या दो इक्वेशंस को जोड़ो घटाओ,
या उनको मल्टीप्लाई करो, उनको डिवाइड करो, ये सारे के सारे ऑपरेशंस मेरे एक इक्वेशन के केस में वैलिड हैं, वैलिड हैं कि नहीं है। अब अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं वो चीज है आपकी इनइक्वालिटी। तो देखो भाई, नीतीश कुमार हेलो, हेलो भाई, गुड गोइंग, या थैंक्स मैन, ओके। तो अब भाई इनइक्वालिटी, ये जो वर्ड है इनइक्वालिटी, या इसको इनइक्वेशन, इनइक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना, और इनइक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर नहीं होना। तो जैसे ए बराबर बी है तो ये तो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन को, और इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन चार तरह के जो सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं, जिनके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। आप में से जो भी बच्चे फिलहाल ये सीधा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 है ना, वहां पे आप जरूर देखें, मैंने आपको इन चारों सिंबल के बारे में अच्छे से बताया है डिटेल में, पूरा एक घंटा वेस्ट किया था वहां पे। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, लेस देन बी, और ए लेस देन और इक्वल्स टू बी, ये चार तरह के जो सिंबल्स हैं जो आपके इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप रीड कैसे करते हो, इसको रीड करते हो आप ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। इसको आप कैसे रीड करते हो, इसको रीड करते हो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू बी। इसको आप कैसे रीड करते हो, इसको आप रीड करते हो ए इज लेसर देन बी। इसको कैसे रीड करते हो, ए इज लेसर देन और इक्वल्स टू बी। ये जो चार सिंबल्स हैं भाई, ये वाला, ये वाले, इनकी हेल्प से आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो, इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो। समझ गए भाई इस बात को। यहां ये सिंबल्स ये कह रहे हैं कि चीजें बराबर नहीं है, कोई चीजें छोटे बड़े वाली बातें यहां पर हो रही है। तो इनके बारे में अपन डिटेल में बातें लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं कि यहां पर ये और है, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मीनिंग है, कैसे चीजें बदल जाती है, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई पूछा जाए कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये बात सही है ना। तो ये क्यों सही है, किसी को कोई दिक्कत आए तो ये और होता है भाई, तो एंड और का ट्रूथ टेबल वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 और 3 है वो यहाँ से रेफर करें। अब मैं सीधा इसमें आगे बढ़ूंगा। तो मीनिंग ये होते हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ए लेसर देन बी, ए लेसर देन और इक्वल्स टू बी, ये इनकी मीनिंग्स होते हैं। अब देखो भाई आप, अब अपन देखते हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के क्या क्या रूल्स हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। रूल्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशन में बताया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों चीज ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उस तरह की चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या ये बातें इनइक्वालिटी में भी वैलिड है क्या, उस तरह की बातों को अपन पढ़ने वाले हैं। पंजाब अकेडमी, वेरी गुड, थैंक यू पंजाब, थैंक्स फ्रॉम पंजाब। रोहित यादव, हाय हाय रोहित, कोई दिक्कत आए तो बच्चों आप लिखते रहना। पंजाब अकेडमी टीचिंग मेथड इज नाइस, ओ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपके ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये शाबाशियां हैं, यही हम लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जितने भी आप बच्चे हैं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लेक्चर्स को बेटा पूरा देखें, मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट वहां से मिलेगा, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अभी यूट्यूब पे क्या है ना कि बाढ़ आ रखी है ऑनलाइन पढ़ाई की ना, हर आदमी करा रहा है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की कोई तारीफ या बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी एक स्ट्रीम से स्टिक होइए, वहीं से आप मैक्सिमम आउटपुट निकालिए, है ना, उसी में फायदा होगा आपका। किसी एक इंस्ट्रक्टर को फॉलो करोगे तभी आप मैक्सिमम सीख पाओगे, क्योंकि दिक्कत ये होता है ना कि सबका अपना सीक्वेंस होता है,
है ना, कोई कोई चीज़ पहले पढ़ा था, कोई बाद में पढ़ा था, पढ़ा दे सब अच्छा है, सब बढ़िया है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बात है। ठीक है, ओके। तो जैसे एग्जांपल अब अपन पढ़ते हैं भैया, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज कैसे हैं भाई, तो इसमें लिखेंगे अपन पहला रूल। पहला रूल है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए प्लस के विल बी ग्रेटर देन बी प्लस के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। अब आपको बताना है, सबसे पहले तो मैंने एक ये स्टेटमेंट लिखा है, आप बोलोगे ये क्या लंबा चौड़ा लिख दिया सर, तो पहले तो अपन इसका एक एक जो स्टेप है उसको डिकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, इसको भी अपने को साबित करना है। इसका लिखा हुआ है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी यदि ए बी से बड़ा है, ये क्या सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इंप्लाइज, है ना, आप सब जानते ही हो इंप्लाइज का सिंबल होता है, यदि ये है तो ये होगा। तो ये बोल रहा है कि ए प्लस के विल बी ग्रेटर देन बी प्लस के, और फॉर ऑल ये जो सिंबल होता है ना वी करके बीच में काटना, इसको पढ़ा जाता है मेरे बच्चों फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, सभी के बिलोंग्स टू आर के लिए, आर का मतलब हो गया रियल नंबर का सेट, अरे हाँ कि ना, तो आर क्या होता है अपना, आर होता है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स। तो ये इसको यदि लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करूं तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई यदि ए बी से बड़ा है ना, तो आप सेम नंबर के दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ये बोलना चाह रहा है, ये बात सही है क्या। तो देखो यहां से एक चीज आपको समझना है कि यहां मैंने साइन तो प्लस का लगाया है और लेकिन के को मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर लिखा है, यानी इसमें एडिशन वाली बात भी आ गई, सब्ट्रैक्शन वाली बात भी आ गई। कैसे भाई, जैसे आपको कोई बोले कि a प्लस के है और k बिलोंग्स टू r है, तो इसमें आप k का वैल्यू 2 लोगे तब तो ये a प्लस 2 बन जाएगा, और k का वैल्यू आप माइनस का 5 लोगे तो ये a माइनस 5 बन गया, क्योंकि k को मैं क्या ले रहा हूँ, रियल नंबर ले रहा हूँ, तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव k की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं यदि इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लूँ तो ये बोलना चाह रहा है, चलो ये तो अपने भाई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, तो इसको यदि मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन both sides of an inequality। ये इसका मतलब हो गया कि भाई आप कोई सेम नंबर है ना वो एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इनइक्वालिटी पे, और उस बात का इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात बेटा बिल्कुल सही है, आप ऐसा इक्वेशंस में भी आप करते आए हो, है ना, इक्वेशन में भी आप सेम क्वांटिटी एड भी करते हो सब्ट्रैक्ट भी करते हो, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्जांपल ले लो, जैसे भाई 5 इज ग्रेटर देन 3, आपने कोई सेम नंबर ऐड किया 5 प्लस 2 और इधर कर दिया 3 प्लस 2, तो ये कितना बन गया 7, ये बन गया 5, तो जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा है, तो देखो बेटा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। या कोई एक नंबर दो नंबर ये माइनस 5 है और माइनस 5 आपको बता है कि माइनस 50 से बड़ा होगा, माइनस 5 माइनस 50 से बड़ा होगा, तो आप इसमें से कोई एक सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, जैसे आपने यहां पर दोनों साइड से 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या बनती है, तो ये आपका माइनस 15 आ गया, ये माइनस 60 आ गया, तो अभी भी अपने को पता है कि माइनस 50 बढ़ा ही रहे, माइनस 15 बढ़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैसे भी नंबर्स हो, है ना, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे आप एक नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, कैसे भाई, जैसे यहां 5 है वो आपको पता है कि ग्रेटर देन माइनस 6 होता है, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो कुछ भी सेम नंबर 3, तो 5 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 ये तो 2 होगा और ये आपका 9 होगा, तो ये नंबर अभी भी बड़ा है, अरे हाँ कि ना। तो पहला रूल अपने लिए ये बन गया कि जो इक्वेशन का रूल था, इक्वेशन का रूल क्या था कि a बराबर b है तो a प्लस माइनस k है वो मेरा b प्लस माइनस k के बराबर होता है, तो ये जो सेम रूल है वो इनइक्वालिटी में भी वैलिड है।
यानी आपके सामने कोई एक इन इक्वेशन दिया गया है, उसमें आप इक्वल क्वांटिटी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका साइन चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। समझ गए क्या इस बात को आप लोग सारे? कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं मैं। ओके, किसी को भाई कोई दिक्कत आए ना तो आप कमेंट में लिखते रहना, मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा। तो ये बात आपने बन गई भाई कि एक इनइक्वालिटी में आप सेम साइड में कोई भी नंबर ऐड करो, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करो, सेपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा कि भाई ए आपके सामने लिखा हुआ है 8 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। आपने क्या करा, मैंने लिखा 8 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 4 प्लस एक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपका यहां एक्स है, कुछ भी हो भाई, एक्स पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, एक्स कैसा भी रियल नंबर हो, यदि ये बात सही है तो ये बात तो सही है, तो ये बात भी हमेशा सही होगी। यानी आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड सेम नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसको आप ऐसे लिख लो 8 माइनस जेड विल बी ग्रेटर देन 4 माइनस जेड, तो बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये अपना हो गया भैया इनइक्वालिटी का पहला रूल कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, तो ये अपना रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 पे चलते हैं भाई। रूल नंबर 2 पर वो क्या बोलता है, तो देखो, तो नंबर 2 लिखता हूं मैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए के विल बी ग्रेटर देन बी के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। तो ये वही बात हो गई कि यदि ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ए के है ना वो बी के से बड़ा होगा, यानी के यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये बात जो इसने बोली है वो बात इसकी सही है क्या, ये अपने को इसका टेस्ट करना है। और के को मैं क्या लेकर चला हूं, रियल नंबर लेकर चला हूं। तो देखो भाई यहां पे अपन, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं कि ये बात जो है वो सही है या गलत है। हमेशा देखो भाई, मैंने किया 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा होता है, मैंने दोनों साइड नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 5 इंटू 2 3 इंटू 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 6, तो ये अभी भी बड़ा है भाई, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी मेरी सेम रही, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, ये पहला एग्जांपल। नेक्स्ट, अपन जानते हैं कि -3 है वो -5 से बड़ा होता है भाई, -3 -5 से बड़ा है, इसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, -5 × 5, तो ये कितना आ गया -15, ये आ गया -25, तो पहले ये बड़ा था तो अभी भी देखो -15 ही बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने को पता है कि 8 इज ग्रेटर देन 5, दोनों साइड आप 0 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0। अब देखो मैंने k लिया था रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो 0 भी आता है, अब क्या यहां पर 0 ग्रेटर देन 0 ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपके पास एक इनइक्वालिटी थी 8 इज ग्रेटर देन 5, मैंने दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी होता है, 0 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये वाली बात यहां पर गलत है भाई, तुम दोनों साइड इनइक्वालिटी को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहां पे भी एक खेल है, उसको भी आपको बताएंगे। जैसे आपके सामने अभी बता देते हैं, जैसे ये आपके सामने इनइक्वालिटी दी गई है 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, तो ये आपकी इक्वलिटी, ये आपकी जो इनइक्वलिटी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, ये दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। मेरा लेक्चर नंबर 3 आप जरूर देखें इसके लिए। ये क्या है, ये दो स्टेटमेंट है, 8 इज ग्रेटर देन 5 और 8 इज इक्वल्स टू 5, तो 8 इज ग्रेटर देन 5 जो ट्रू है और ये फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। अब इसको दोनों साइड आप 0 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो भाई आपके सामने लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज इक्वल टू 5, इस बार ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, तो और स्टेटमेंट है इसलिए क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, तो ये भी ट्रू है। तो अब देखो यहां पर
आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये डिपेंड करेगा ओरिजिनली क्या दिया हुआ है। 8 ग्रेटर देन 5 था, 0 से मल्टीप्लाई किया तब तो ये बात गलत थी, लेकिन 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दिया हुआ है तब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तब ये बात मेरी क्या बन गई, सही बन गई। तो इसका मतलब यहाँ के का रियल नंबर लेने में अभी भी कोई ना कोई लफड़ा जरूर है ना। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं अपन। तो ये आपको एग्जांपल भैया समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 0 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कतें आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, और आगे बढ़ते हैं इसमें, लेट्स सी। अब मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिए, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नंबर ले लिया, 0 ले लिया। अब नेगेटिव नंबर लेके भी देख लेते हैं। देखो भाई आपके सामने नंबर है आपके सामने नंबर है 5 इज ग्रेटर देन 3, ये इनइक्वालिटी दी गई है। आप दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करो, यानी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बन गया -10, ये कितना बन गया -6। ओके अब देखो कौन बड़ा, -6 बड़ा, क्योंकि -10 छोटा हो जाएगा। तो अब यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ओके तो -3 इज ग्रेटर देन -5, इसको आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -5 -3, तो ये कितना आ गया भाई -9, और ये आ गया मेरा -15। बताओ भाई -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और -5 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आएगा। अब कौन बढ़ाएगा, ऑब्वियस बात है 15 बढ़ाएगा। तो यहां पर भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके एक एग्जांपल और लेते हैं। अपने को बताया कि 8 विल बी ग्रेटर देन -3, अब आप ना इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का किसी नंबर से -2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 × -2 और -3 × -2, तो ये कितना आ गया -16, ये आ गया 6। अब कौन बढ़ा, अब ये बढ़ा क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव बन गया है। तो इसका मतलब तो मेरे भैया ये हो गया कि आपका मल्टीप्लीकेशन में तो यार बहुत सारी चीजें यहां गड़बड़ हो रही है ना। आप इक्वेशन में देख रहे थे ना a इक्वल टू बी है, तब आप आंख बंद करके a के इक्वल टू बी के कर रहे थे कि भाई कोई भी रियल नंबर हो चलेगा, हाँ कि ना। इक्वेशन में तो ये नियम वैलिड है कि आप दोनों तरफ कोई नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन इक्वेशन में ऐसा नहीं है, इन इक्वेशन में ये डिपेंड करेगा कि आपका जो नंबर है जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो हमने यही देखा था, देखे इसी एग्जांपल में जैसे ये -3 -5 है, तो -3 > -5, अब आप इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करो, −3 -5 × 3, ये आ गया -9, ये -15, तो ये देखो अभी भी बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि यदि आप एक इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि एक इनइक्वालिटी को आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ग्रेटर देन वाला तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन वाला ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप 10th पास हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसका मतलब जो मैंने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। यदि यहाँ पर मैंने के बिलोंग्स टू आर लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको बोला जाए कि क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है ना। ओके तो फिर इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट ये बनेगा भाई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी दिस इंप्लाइज ए के विल बी ग्रेटर देन बी के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये बात ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बनेगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी दिस इंप्लाइज ए के विल बी लेसर देन बी के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर नेगेटिव। तो आर प्लस आपको पता ही है, आर प्लस क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर, बोले तो 0 to infinity। नेगेटिव रियल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, तो -∞ से 0। ये ऑलरेडी हम रियल नंबर सिस्टम में आपको समझा चुके हैं,
नंबर सिस्टम के मेरे आप लेक्चर नंबर 1-2 जरूर देखें, उसमें आपको ये सब पढ़ा रखा है, आपको पता ही होगा इतना तो। तो यदि आपका k एक पॉजिटिव रियल नंबर है तब तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि एक नेगेटिव रियल नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यदि आप 10th पास हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आपने आज सीखी है। थैंक गॉड आपको ये चीज़ सीखने को मिली, वो भी इतनी आसानी से कि एक इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझ गए इस बात को? चलो यदि अब आपको ये इतनी सारी बातें समझ आ गई है तो अब आप मुझे, पंकज सारस्वत, हेलो, हाँ भाई पंकज कैसे हो, लेक्चर्स डेली अटेंड करो, रेगुलरली अटेंड करो भाई पंकज, अब्सेंट चल रहे हो तुम। अब आपके सामने मैं कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नमस्ते, हाँ पंकज भाई नमस्ते, रेगुलर रहो भाई, तुम लेट क्यों आए हो, आते ही हाय सर हेलो सर लिख दिया करो ताकि मुझे पता चले। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें भाई, आपके सामने लिखा हुआ है 5 is greater than 3, मैंने लिखा यहां पर 5x will be greater than 3x। सो यदि ये है तो इसको आप ऐसे लिख लो कि 5 is greater than 3, दिस इंप्लाइज 5x is greater than 3x। आपको बताना है ये जो लिखा है मैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। 5 is greater than 3 ये तो गिवन है, दिस इंप्लाइज 5x³ is greater than 3x। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? 5 is greater than 3 दिस इंप्लाइज 5x² is greater than 3x² ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? 5 is greater than 3 दिस इंप्लाइज 5 × x² + 1 will be greater than 3 × x² + 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? ये आपके सामने मैंने 4 मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा तो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ना, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ना, ये मैं फॉर ऑल x सारे के सारे x रियल नंबर के लिए जानना चाह रहा हूँ भाई, है ना, कि सारे के सारे रियल नंबर के लिए कौन सा स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू है और कौन सा हमेशा फॉल्स है। बताओ देखें, तो देखो भाई अपन देखते हैं इसको, 5x greater than 3x, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो फॉल्स है, क्योंकि यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तभी ये ट्रू होगा, x की सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि x की यदि नेगेटिव वैल्यू हो गई तो इनइक्वालिटी को चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 5x³ तो सेम कहानी x³ के साथ है भाई, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब x³ भी पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x³ भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन जानते हैं ना भाई कि -2 का जो स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, जबकि -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो x² है, x² कैसा होगा, x आए आप कोई भी रियल नंबर ले लो, x² हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अरे हाँ कि ना, आप कोई भी नंबर ले लो, x 0 लोगे तब x² भी 0 होगा, वरना x² हमेशा पॉजिटिव नंबर है। लेकिन 5x² > 3x² ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है क्या? नो, ये हमेशा ट्रू नहीं है, दिक्कत कहाँ आ गई, x = 0 पे दिक्कत आ गई यहाँ पर, क्योंकि इसमें यदि x = 0 आ गया ना तो यहाँ जाएगा 0 > 0, जो कि बात सही नहीं है। इसको देखो आप, 5x² + 1 यानी मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है मेरे भाई, मल्टीप्लाई किया है मैंने x² + 1 से। अब आप देखो भाई, x² + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस वन कर दिया है, तो x² आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, x² + 1 तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू से तो एक इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने से वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या बन गया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बन गया। समझ गया कि नहीं समझ गया आप इस बात को? तो इनइक्वालिटी में इस चीज से मैटर करेगा कि आपका जो मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर से
वो नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ गया इस बात को, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड आपको चीजें समझ में आ गई होगी भाई। अगली जो चीज आपके लिए है वो देखो आप। अब आप बोलोगे सर डिवीजन के लिए क्या है? अरे भाई डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो एक ही बात है ना। कैसे? कि जैसे भाई कोई नंबर 5 है, उसको आप डिवाइड बाय 2 करो। 5 को मैं 5 डिवाइड बाय 2 करूं या मैं इसको बोल दूं 5 × 1/2, ये बात तो वही होगी ना। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो बात ही सेम हो जाए। तो जो डिवीजन होता है ना वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 5 > 3 है ना, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, तो अभी भी ये बड़ा ही रहेगा। मैंने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, 5/-2 और 3/-2, तो ये आ गया -5/2, ये आ गया -3/2, तो ये इससे मेरा बड़ा हो गया। तो नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, पंकज ने बोला है लास्ट के 2 ट्रू है। अरे नहीं भाई, वो एक्स स्क्वायर है ना, वो 0 के लिए दिक्कत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, अगला रूल देखते हैं भाई। अगला रूल आपको सबको बताना है, अगला रूल है रूल नंबर 3 कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये रूल आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। यदि ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से बड़ा आएगा, ये बात सही है या गलत है? बताइए आप ये बात बेटा मुझे। अब जो जो भी हैं बताओ, देखें ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। रोहितास बैरवा, हाय रोहितास। बताओ भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखो भाई 5 > 3 स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना, तो 3 × 3 ये कितना बन गया 25, ये 9, तो ये पहले बड़ा था अभी भी बड़ा है। ऑल राइट, 5 > 0 ये बात सही है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो तो ये आ गया 25, ये आ गया 0, तो ये देखो भाई अभी भी ट्रू है। ओके, दोनों पॉजिटिव ले लिया, एक आप दोनों नंबर नेगेटिव ले लो, जैसे -3 विल बी ग्रेटर देन -5, ये बात तो सही है। दोनों और आप स्क्वायर करो तो -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो देखो भाई ये आ गया 9 और ये आ गया 25, तो इस बार इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। आपको पता है कि जो 2 होता है वो बड़ा होता है -8 से। अब दोनों और स्क्वायर करो तो ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका -8 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 8 का 64 होता है, तो ये लो इनइक्वालिटी यहाँ पे भी बदल गई। दोनों नंबर पॉजिटिव थे, इनइक्वालिटी नहीं बदली, एक पॉजिटिव था 0 था, नहीं बदली। दोनों नेगेटिव थे, इनइक्वालिटी बदल गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, इनइक्वालिटी बदल गई। आगे बढ़ो, आपको पता है कि 4 > -2, तो 4 एक पॉजिटिव नंबर, ये सही है। अब इसका स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर
फोर का स्क्वायर करो और यहां पे आप माइनस टू का स्क्वायर करो, तो फोर का स्क्वायर 16, माइनस टू का स्क्वायर 4। अब यहां पर देखो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब समझ रहे हो, दोनों नंबर पॉजिटिव थे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों नंबर नेगेटिव थे इनइक्वालिटी चेंज हो गई, एक पॉजिटिव नेगेटिव था, एक एग्जांपल लिया जिसमें इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं यहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब जो आप इक्वेशंस में पढ़ते थे ना कि यदि a बराबर b है तो इसका मतलब ये हो गया कि a स्क्वायर भी मेरा b स्क्वायर के बराबर होगा, तो मेरे भाई ये बात इक्वेशंस तक तो ठीक थी, लेकिन अब जब आप इनइक्वालिटी की दुनिया में आ गए हो घूमते फिरते, तो इनइक्वालिटी की दुनिया में ये बात इतनी आसान नहीं रही है, स्क्वायर करना खतरे मोल लेने से कम नहीं है, आप समझ रहे हैं इसको। तो आप बताइएगा मुझे, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है, आप मुझे अपने कमेंट में भी बताना इस बात को कि फिर मैं इस रूल को कैसे लिखूं, कि अपने को पता है कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये सही तो नहीं है, है ना, जैसे मैंने ये लिख दिया ना कि यदि a b से बड़ा है तो a स्क्वायर भी b स्क्वायर से बड़ा होगा, ये बात मेरी ट्रू नहीं है, ये बात सही नहीं है, तो इसकी सही बात क्या है कैसे है, तो ये बात आप मुझे बताना, यही आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी के साथ, इनइक्वालिटी के जो रूल्स हैं उनको अपन कल और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर अपन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है भाई, ओके।